समटाइम्स इट हैपेंस कि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन भी कारगर सिद्ध हो जाते हैं यार, कैसे? भाई तो इस बात का राज क्या है जानने के लिए बने रही हमारे साथ इस वीडियो पर, बट बिफोर दैट टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ स्टार प्लस के एक ऐसे सीरियल की जिसकी टीआरपी फिलहाल सबसे ज्यादा है। आपको पता चल ही गया होगा मैं किस सीरियल की बात कर रहा हूँ। एनी गेसेस? Yes, your guess is absolutely right. I am talking about your favorite Anupama. और अनुपमा के एक्ट्रेस का नाम तो आप सबको पता ही होगा। जी हाँ, yes, उनका नाम है रूपाली गांगुली। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रूपाली गांगुली की, कि जब साल 2020 के अंदर वो मैटरनिटी लीव पर थी अपने एक्टिंग करियर के साथ, तभी उन्हें एक शो का ऑफर आया था, एंड दैट शो इज नथिंग बट योर फेवरेट अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, और तभी उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सेकंड थॉट लाए इस शो के लिए हाँ कर दिया था कि मुझे इस किरदार में बहुत मजा आने वाली है, बहुत एडवेंचरस किरदार होगा मेरे लिए और मैं इस शो को करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। और ऐसे ही विदाउट एनी सेकंड थॉट शी डिसाइडेड कि उसे ये टीवी सीरीज है वो करनी है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हो एक चीज की, रूपाली गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत करीब 7 साल में ही कर दी थी। जब वो सिर्फ 7 साल की थी तभी उनके पिता, दैट मींस अनिल गांगुली, की एक मूवी आई थी जिसका नाम है साहेब, और उन्हीं के अंदर उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। और वहां से आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अपने फैंस के द्वारा अनुपमा के रोल में उन्हें जो जो प्यार मिला है उनके मुताबिक वो उनके लिए प्रेरणा समान है, वो उनके लिए इंस्पिरेशन समान है। तो ऐसे की जब एक डिसीजन लिया जाता है वो कब अच्छा साबित हो जाए, नेवर नोस। By the way, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please tap like, share and subscribe and yes, stay tuned.